और उसमें दाखिल होते ही एक गधे का बच्चा बना हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई स्वार आदमी स्वार नहीं हुआ। उसे खो लाओ, और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोते हो, तो कह देना, तो ये यूँ कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। पर जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधे के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बच्चा को क्यों खोते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। वह उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डाल कर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वह अपने कपड़े नाव में बिछाते जाते थे। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शिक्षकों की सारी समायत उन सब मौसमों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हमद करने लगे कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदाओं के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आने वाला परिवार। भीड़ में से पास फरीसियों ने उसे कहा, ए उस्ताद अपने शिक्षकों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। खुदा के जिंदा और कलस का बड़ा उसने लगा हमारे लिए पैसे बरकत हो। खुदा का शुक्र।